भारत के एनएसजी कमांडो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के बेहतरीन एंटी टेररिस्ट फोर्सेस में से एक है। 1984 में एस्टैब्लिश होने वाली एनएसजी कमांडोज को ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। और एयर डिफेंस के आज की इस एपिसोड में हम आपको एनएसजी कमांडोज को लेकर के 5 ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए एन डिफेंस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। फैक्ट नंबर 5, एनएसजी कमांडोज का मोटो है एनी कॉस्ट एनी कंडीशन, यानी कि इनको अगर कोई मिशन दे दिया जाए तो ये किसी भी कीमत पर किसी भी कंडीशन पे ये ऑपरेशन या फिर मिशन को कंप्लीट करेगा। एनएसजी को 1984 में एस्टैब्लिश किया गया था और उसके बाद से जितने भी ऑपरेशंस इन्होंने किए हैं उनमें से आज तक ऐसा कोई ऑपरेशंस नहीं रहा जिसमें एनएसजी नाकामयाब रहे, यानी कि एनएसजी के डिक्शनरी में आज तक फेलियर शब्द का यूज नहीं हुआ है। फैक्ट नंबर 4, एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। इसके पीछे एक मुख्य कारण भी है। पहला कारण है इनके ब्लैक यूनिफॉर्म और साइलेंटली मूव करने की काबिलियत, पर दूसरा सबसे बड़ा कारण है हर एक एनएसजी कमांडोज के यूनिफॉर्म के ऊपर ब्लैक कैट की इंसिग्निया लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, एनएसजी कमांडोज ज्वाइन करने के बाद इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है जो 90 दिन का होता है। इन्हीं 90 दिन के बेसिक ट्रेनिंग में वॉलंटियर करने वाले फौजियों में से 70% ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और जो बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है उन्हें 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग इस दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेनिंग में से एक है और ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत ज्यादा हाई है। 70-80% वॉलंटियर्स ट्रेनिंग पीरियड में ही ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। जो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाते हैं सिर्फ वही बन पाता है ब्लैक कैट कमांडो। फैक्ट नंबर 2, हर एक एनएसजी कमांडोज का टारगेटिंग रेंज बहुत हाई होता है। एनएसजी कमांडो एक ही बार में अपने टारगेट को हिट करने में माहिर होते हैं। ब्लैक कैट कमांडोज को मुख्य रूप से प्रिसाइज हेडशॉट मारने के लिए ट्रेंड किया जाता है। अपने ट्रेनिंग में शूटिंग प्रैक्टिस में एक कमांडो 2 महीने में लगभग 14,000 से भी ज्यादा राउंड की बुलेट्स फायर कर देता है, जो नॉर्मल सिपाही अपने पूरे जिंदगी भर में नहीं कर पाता है, वो एनएसजी कमांडो सिर्फ 2 महीने में फायर करता है। फैक्ट नंबर 1, एनएसजी फोर्स की यंग प्रोफाइल को मेंटेन रखने के लिए एनएसजी कमांडोज को 5 साल की सर्विस के बाद उन्हें अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वापस भेज दिया जाता है, यानी कि एनएसजी कमांडोज की वर्दी आप सिर्फ 5 साल तक ही पहन सकते हैं। एनएसजी में शामिल होने के लिए एक सोल्जर का एज 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनएसजी का काम होता है भारत के अंदर घटित होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकना और इंटरनल डिस्टर्बेंस को हैंडल करना, और VIPs की सिक्योरिटी के लिए भी एनएसजी कमांडोज को भारत में यूज किया जाता है। एनएसजी कमांडोज को लेकर यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।